धरती से देखने पर हमें एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। सूरज हमारा तारा दिन में राजा होता है, चांद हमारा खगोलीय साथी रात को रोशनी करता है, लेकिन कभी कभी इनके रास्ते आपस में मिल जाते हैं जिससे एक अद्भुत नजारा बनता है। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है। इस कॉस्मिक अलाइनमेंट से हमारे ग्रह पर एक परछाई पड़ती है जो सूरज की चमक को कुछ देर के लिए ढक देती है। यह लुका छिपी का एक खगोलीय खेल है जिसमें चांद सेंटर स्टेज ले लेता है। ये घटनाएं सिर्फ अजूबे नहीं है, ये हमारे सौर मंडल के जटिल कामकाज की याद दिलाती हैं। ये हमें ब्रह्मांड के उस कोने के सेलेस्टियल मैकेनिक्स की एक झलक दिखाती हैं जहां हम रहते हैं, और 2024 में हमें एक खास तोहफा मिलने वाला है। 2 अक्टूबर 2024 को दुनिया एक असाधारण घटना के लिए आसमान की तरफ देखेगी, एक एनुलर सोलर इक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण के विपरीत, जहां चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, एक एनुलर इक्लिप्स में सूरज की रोशनी का एक चमकता हुआ रिंग चांद के सिलुएट के चारों ओर दिखाई देता है। रिंग ऑफ फायर इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आसमान में चांद का साइज सूरज से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। एक निकल के सामने एक पेनी रखने की कल्पना करो, पेनी चांद को दर्शाता है और निकल सूरज को। निकल का बाहरी किनारा दिखाई देता रहता है जिससे एक ज्वलंत हेलो बनता है। यह खगोलीय नजारा सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, यह पृथ्वी चांद और सूरज के बीच डायनामिक रिलेशनशिप की याद दिलाता है। यह ग्रेविटी द्वारा कोरियोग्राफ्ड एक कॉस्मिक बैलेट है और हमारे पास फ्रंट रो सीट्स हैं। भारत, जो खगोलीय ज्ञान से भरा देश है, का 2024 के एनुलर सोलर इक्लिप्स के साथ एक खास रिश्ता है। 2 अक्टूबर को जैसे ही दोपहर का सूरज ढलना शुरू होगा, चांद अपनी जगह ले लेगा और पूरे भारत में अपनी परछाई फैला देगा। हालांकि रिंग ऑन ऑफ फायर केवल एक संकरे रास्ते पर दिखाई देगा जो पूरे अमेरिका में फैला हुआ है, भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। दिल्ली मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में सूरज की रोशनी में काफी कमी आएगी, जैसे उसके चेहरे पर किसी ने कोई खगोलीय घूंघट डाल दिया हो। ग्रहण का सही समय भारत में आपकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होगा। अपने शहर या कस्बे में सटीक समय के लिए लोकल एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस से सलाह लेना सबसे अच्छा है। रिंग ऑन अ फायर इफेक्ट सेलेस्टियल ज्योमेट्री का परिणाम है। पृथ्वी के चारों ओर चांद की ऑर्बिट पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि थोड़ी एलिप्टिकल है। इसका मतलब है कि पूरी ऑर्बिट के दौरान पृथ्वी से चांद की दूरी बदलती रहती है। एनुलर इक्लिप्स के दौरान चांद पृथ्वी से सामान्य से ज्यादा दूर होता है। इस बढ़ी हुई दूरी के कारण चांद आसमान में थोड़ा छोटा दिखाई देता है, इतना बड़ा नहीं कि पूरे सोलर डिस्क को कवर कर सके। इसका परिणाम एक ब्रेथ टेकिंग नजारा होता है। चांद के डार्क सिलुएट को घेरे हुए सूरज की रोशनी का एक छल्ला, यह एक सेलेस्टियल रिमाइंडर है कि अंतरिक्ष की विशालता में भी आकार और दूरी मायने रखती है। सेक्शन 5, अ ग्लिम्प्स अक्रॉस द ग्लोब, रिटन बाय नील डिग्रास टाइसन। 2024 का एनुलर सोलर इक्लिप्स सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा। एनुलैरिटी का रास्ता, जहां रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा, पूरी दुनिया में फैला होगा। दक्षिण प्रशांत महासागर से शुरू होकर ग्रहण का रास्ता चिली और अर्जेंटीना सहित दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा, फिर यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जाएगा और सैन एंटोनियो, टेक्सास और क्लीवलैंड, ओहियो जैसे शहरों को रिंग ऑफ फायर से नवाजेगा। अंत में ग्रहण का रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर में खत्म होगा, जिससे पूरे अमेरिका और उसके बाहर लाखों लोग इस खगोलीय नजारे को देखकर दंग रह जाएंगे। सूर्य ग्रहण देखना एक यादगार अनुभव होता है, लेकिन इसे सेफली करना बहुत जरूरी है।
ग्रहण के दौरान भी सीधे सूरज को देखने से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। बिना उचित सुरक्षा के कभी भी सीधे सूरज को न देखें। साधारण सनग्लासेस चाहे कितने भी डार्क हों, सूरज को देखने के लिए सेफ नहीं है। ग्रहण को सेफली देखने के लिए विशेष रूप से बने सोलर इक्लिप्स ग्लासेस या व्यूअर्स का उपयोग करें जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हों। ये ग्लासेस हानिकारक सोलर रेडिएशन को रोकते हैं, जिससे आप अपनी आंखों को जोखिम में डाले बिना ग्रहण का आनंद ले सकते हैं। 2024 का एनुलर सोलर इक्लिप्स एक फोटोग्राफर का सपना होता है, जो उन्हें एक सेलेस्टियल मास्टरपीस को कैद करने का मौका देता है। लेकिन सूरज की तस्वीरें लेने के लिए विशेष सावधानी और उपकरणों की जरूरत होती है। बिना उचित सोलर फिल्टर के कभी भी अपने कैमरे को सीधे सूरज की ओर न करें। सूरज की तेज रोशनी आपके कैमरे के सेंसर को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रहण की तस्वीरें सेफली लेने के लिए अपने कैमरा लेंस के लिए डिजाइन किए गए सोलर फिल्टर का उपयोग करें। रिंग ऑफ फायर को उसकी पूरी ग्लोरी में कैद करने के लिए अलग अलग एक्सपोजर्स और कॉम्पोजिशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें। सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय शो नहीं है, वे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुमूल्य अवसर हैं। ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक सूरज के कोरोना, उसके सबसे बाहरी वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं, जो आमतौर पर सूरज की तेज रोशनी से छिपा रहता है। कोरोना तीव्र चुंबकीय गतिविधि का क्षेत्र है और स्पेस वेदर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उपग्रहों और यहां तक कि पृथ्वी पर बिजली के ग्रिड्स को भी प्रभावित कर सकता है। ग्रहण कोरोना का विस्तार से अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रहण एक साझा अनुभव है जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। 2 अक्टूबर 2024 को दुनिया भर में लाखों लोग आश्चर्य और विस्मय से एक होकर आसमान की ओर देखेंगे। यह एक याद दिलाता है कि हम सब न केवल एक दूसरे से बल्कि ब्रह्मांड से भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड की ग्रैंड स्कीम में हमारे मतभेद दूर हो जाते हैं और हमारे पास ब्रह्मांड में हमारे स्थान की एक गहरी अनुभूति शेष रह जाती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसे मिस नहीं किया जा सकता है। अपने कैलेंडर चिह्नित करें, अपने इक्लिप्स ग्लासेस तैयार करें और एक ऐसे खगोलीय नजारे को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको दंग कर देगा। चाहे आप एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट हों या ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति के अजूबों की सराहना करते हैं, यह ग्रहण उस खूबसूरत और शानदार ब्रह्मांड की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। तो एक सेफ जगह खोजें, ऊपर देखें और ब्रह्मांड को आपको इंस्पायर करने दें।